अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं जवेरिया शेख। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ आज बाबा कॉटेज इंडस्ट्री गुलाम सरवर हजवेरी की ज़ेरे क़ियादत अब तक का सबसे बड़ा वफ्द तमाम नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करने पहुँचा है। आज हार पहनाए गए हैं तमाम नौ मुंतखब अहदेदारान को और इस अज़म का इजहार किया गया है कि ये नौ मुंतखब अहदेदारान बिजनेस कम्यूनिटी की खिदमत में दिन रात एक करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के चेयरमैन और प्याफ के पैट्रियन इन चीफ मियाँ अंजुम निसार साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बड़ी कामयाबी को वो किस तरह देखते हैं। एक बार फिर सुरखरू होकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। और यकीनन इस वक्त 15 से 20 दिन गुजरे हैं इस कामयाबी को, रोज़ाना का मामूल है, हज़ारों की तादाद में ताजरा ना चुके, आपको मुबारकबाद पेश करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं अल्लाह का जितना अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी और ये मेहरबानी की, और दूसरा मैं अपनी बिज़नेस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इलेक्शन कम्पेन भी हमारी उन्होंने ही रन की, उन्होंने ही रौनकें दोबाला की, और अल्लाह की मेहरबानी से फिर बैलेट पेपर ने से भी वही निकला जो इलेक्शन से पहले हमें भी कुछ अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अल्लाह ने तो बहुत ही मेहरबानी कर दी। कॉर्पोरेट क्लास में भी क्लीन स्वीप, एसोसिएट क्लास में भी क्लीन स्वीप, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिज़नेस कम्यूनिटी आ भी रही है और मुबारकें भी दे रही है, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम पे बिज़नेस कम्यूनिटी की मोहब्बत का वो कर्ज़ है। इंशाल्लाह हमारी जो नई क़ियादत है वो पूरी कोशिश करेगी कि बिज़नेस कम्यूनिटी के जो मामलात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करे, उनकी वकालत करे, उनके मामलात में कोई आसानी पैदा हो, मुल्क की इकॉनमी बेहतर डायरेक्शन पर चले, और इंशाल्लाह हम जो हैं अपना मुल्क में नया रोज़गार क्रिएट हो, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अब आज कल HCO की भी सिलसिला चल रहा है, सऊदीया का भी एक डेलीगेशन आया है, तो लगता है कि इस मुल्क में इंशाल्लाह दोबारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अल्लाह करे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी देखभाल के इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएँ, ताकि बाद में जिस तरह IPP के मामला हुए उस किस्म की कोई सुबकी ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान दुनिया का 5वां पॉपुलस मुल्क है, और यहाँ डेफिनेटली इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, लेकिन अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की घर बड़ी उम्मीद है कि यहाँ नई इंडस्ट्री भी लगेगी और नई सरमायाकारी भी होगी और नया रोज़गार भी इंशाल्लाह क्रिएट होगा। मियां जम निसार साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बाबा कॉटेज इंडस्ट्री गुलाम सरवर हजवेरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर यकीनन आपकी दुआएं भी शामिल रहीं, आपकी बेस्ट विशेज भी शामिल रहीं इस इलेक्शन कैंपेन में, और उस वक्त अंजुम निसार का हाथ आपने थामा जब शायद ये बातें हो रही थी कि अंजुम निसार तनहा हो चुका है, फिर ऐसा हाथ थामा कि यकीनन कामयाबी के बाद ही ये जज्बा रुका। क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे मालिक का करम है कि अंजुम निसार ने बहुत मेहनत की है, कोशिश की है, जद्दोजहद की है, और अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया है। हम तो दुआ कर सकते थे, मेहनत तो वो कर सकता था, मेहनत उसने की है, अल्लाह ताला ने रायगा नहीं दी। एक तरफ 21 हो, एक तरफ अंजम खड़ा हो, हम खड़े हों, करबला मौला का सिलसिला बना हुआ हो, सब अपने पराए तीर चला रहे हों, तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उसे ऐसी इज्जत दे कि जो दूर दूर तक नज़र नहीं आती क्या कुछ लेके आएगा। ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसको अकेला ना समझो, जब अकेला होता है तो उसके साथ अल्लाह होता है। आपने उसे अकेला किया, उसके साथ अल्लाह है, उसके पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके पास उसके साथ मौला पंजन पाक हैं, उनकी मेहरबानियाँ हैं कि ये अकेला करबला में खड़ा है, इसे तीर चल रहे हैं,
हमारे ऊपर तीर चल रहे थे, अल्लाह ताला ने सुन ली, पता नहीं किसकी सुन ली, हमारे बच्चे मदीना पाक में बैठे थे, रो रहे थे, सरकार मेहरबानी, सरकार मेहरबानी, अल्लाह पाक के घर में बैठे थे, मौजूद हैं इस वक्त भी ये आदमी, मदीना पाक भी और मक्का पाक में भी इसके आदमी बैठे थे, और रात हर वक्त मुझे दिखाता था या दुआ कर रहे हैं कि मैं यहाँ जमने सार को अल्लाह कामयाबी दे। पता नहीं किसकी अल्लाह ने सुनी है कि कोई एक सीट भी नहीं लेके जा सके, एक सीट भी नसीब नहीं हुई, ये मौला का कारण, ये मालक का कारण, हमारे हम कुछ नहीं हैं, हम तो ज़ीरो हैं, जब उनका करम होता है तो बात बिगड़ी भी बन जाती है, ये उनका करम। बहुत शुक्रिया। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.